नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ मैडम, आपका नाम? मैं स्वाति, पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस से पदाधिकारी, दिल्ली प्रदेश की। मैडम, आप ये जो हादसा हो रहा है, जो जी हुआ है, जी इसमें अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कितने लोग घायल हुए जी हैं, सर, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है तो आपके कार्यकर्ता कितने लगे हुए हैं इस कार्य के लिए? सर। हमारी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं मदद करने के लिए। जो जिसे सुन के मैं भी एकदम से उठ के आ गई देखने के लिए कि कैसे हादसा हो गया। हमारे जो भाई बहन आज मारे गए हैं, इस सब का मुझे बहुत दुख है। और जिम्मेदार जो मैं ठहराती हूँ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ठहराती हूँ। तो अभी कोई आंकड़ा जो आया तो है नहीं कितने लोग नहीं सर, हैं? अभी कोई आंकड़ा नहीं है, अभी तो बस निकाली जा रही है लाशें। जो लोग जले हुए हैं निकाले जा रहे हैं, अभी हम खुद यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनकी हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। तो जैसे कि आपके कपड़ों से ही लग रहा है कि आप सुनते ही। जी सर, मैं बहुत घबरा गई थी। हमारी दिल्ली राजधानी जिसे कहते हैं, यहाँ पर ऐसा हादसा हो गया, किस वजह से हुआ? जितनी ये दिल्ली के, हम कहते हैं राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है, लेकिन यहाँ पे ऐसे हादसे हो गए कि दिल्ली के फिल्मिस्तान जैसे इलाके में आग लग गई। कैसे लग गई है? कुछ जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? तो अभी इससे पहले आप भी एक देश की बेटी हैं, एक बेटी के साथ बड़ा हादसा हुआ है जी सर, मैं उस। बहुत बहुत दिल से बहुत दुखी हूँ इस चीज से कि जिस देश में नारी को दुर्गा मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, और उसी देश में नारी के साथ ऐसा होता है। इसका जिम्मेदार हमारे सिर्फ जो आदमियों की मानसिकता है, मैं उसे ठहराना चाहूंगी, और माँ बाप जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये लगाते हैं आप प्रशासन हमारा दोषी है, जी सर, मैं प्रशासन को दोष ठहराऊंगी। क्योंकि जिससे हमारी बहन बेटी जो है अपने घर से बिल्कुल, निकलने में संकोच कर। जिसे राजधानी कहते हैं हम दिल्ली को, और यहाँ पर ही ये तो एक हैदराबाद का कांड था। दिल्ली में भी कौन सी स्त्री आज सेफ है? रात को हम का जॉब पर निकलती हैं लड़कियां, कौन उसकी उनकी सेफ्टी कर रहा है? कोई सेफ्टी है? रोज आए दिन कुछ ना कुछ सुनने में आ रहे हैं हमारे, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, केजरीवाल जी हो, कौन सेफ्टी ले रहा है सब चीज? कोई जिम्मेदारी ले रहा है कोई? तो कहीं ना कहीं आप ये लगता है कि भाई हम लोग सुरक्षित नहीं है जी नारियां। सर, हम लोग बिल्कुल।